अलीगढ़ के टप्पर इलाके में चर्चित मासूम टिंकल हत्याकांड में एसएसपी आकाश कुल्हरी ने इंस्पेक्टर केपी सिंह चहल सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन पर गुमशुदगी देरी से लिखने के अलावा बच्ची की खोज में और हत्या होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही का आरोप है। आकाश कुल्हरी ने बताया कि निवर्तमान इंस्पेक्टर टप्पल कुशनपाल सिंह चहल थाने के 3 सब इंस्पेक्टर और सिपाही को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, टप्पल इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के कारण 3 साल की एक बच्ची की हत्या करके उसका शव कूड़े के ढेर में डाल दिया गया था। बच्ची के पिता की शिकायत पर जाहिद और असलम नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुल्हरी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से रेप के संकेत नहीं मिले हैं, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत में सुनवाई कराए जाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामने पीएम की रिपोर्ट पड़ी हुई है। पीएम की रिपोर्ट में जो चीज़ें नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी चीज़ें इंजरी है, डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरी है उसके अंदर, पीएम के अंदर। बट कहीं पे भी एसिड यूज हुआ है इसकी कहीं पुष्टि इस पीएम रिपोर्ट में नहीं होती है। और प्लस रेप को लेकर के भी कोई पुष्टि पीएम रिपोर्ट नहीं कर रही है अभी, परंतु स्लाइड्स बन के गई हुई है। इट विल टेक एटलीस्ट 14 to 15 डेज, पर अभी तक की जो पीएम रिपोर्ट प्राथमिक तौर पे जो हुई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हो रही है और ना ही एसिड अटैक की कोई पुष्टि हो रही है। और जो उसमें बताया गया है कि आँखें निकाल ली गई है, तो उसमें जो लिख करके आया है वो बस केवल इतना आया है कि इसके अंदर जो लिख करके आया है उसमें मगेट्स वर प्रेजेंट, तो आई सॉकेट के अंदर। तो 3 दिन पुरानी जो बॉडी होती है, तो अगर वो प्यूट्रिफिकेशन उसका हो जाता है तो मैगेटिफिकेशन भी उसका होता है, तो उसके अंदर जो है कुछ कीड़े या कुछ जो होते हैं वो 3 दिन के अंदर लाश में आ जाते हैं। तो उसी वही पूरी पीएम रिपोर्ट में लिखा गया है। खास करके कई मीडिया हाउसेज में अभी ये बातें चल रही है विदाउट वेरिफिकेशन के। तो पीएम रिपोर्ट मेरे पास में है और जो पीएम रिपोर्ट में जो जिसकी पुष्टि नहीं हो रही है वो मैंने आपको अभी बताया है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, 3 साल की मासूम बच्चे की हत्या का मामला है, फिलहाल कार्रवाई पुलिस वालों के ऊपर की गई है। जी जी, मैं आपको बता दूं, अब तक एक दरोगा सहित 4 एक इंस्पेक्टर सहित 3 दरोगा एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये हमारी क्योंकि लाइव टूडे की खबर का बहुत बड़ा असर था, जो लाइव टूडे द्वारा जो प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, जिसमें जो अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुल्हरी, उन्होंने खबर देखने के बाद उस मामले को संज्ञान में लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल क्या कुछ मांग है परिजनों के, किस क्या कुछ कहना है परिजनों का इस पूरे मामले में? इस मामले में यह कह रहे हैं, अभी तक जो अलीगढ़ के एसएसपी, उन्होंने दो मुलजिम नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनके परिजनों के रहेगा, इस परिवार के और भी दो तीन जनों के नाम और भी हैं कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं करते तो हम थाने में जाकर आज कहा करते। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अर्जुन। बता दें, अलीगढ़ में मासूम की मौत का मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या पैसों के लेन देन के बाद अपहरण करके उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद उसके शव को कूड़े के ढेर में फेंक कर आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें एसएसपी ने बताया है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही एसिड अटैक की पुष्टि हुई है, गला दबाकर हत्या की गई है मासूम बच्ची की। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। अलीगढ़ के थाना टप्पल का यह पूरा मामला है। फिलहाल एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए टप्पल थाने के इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अलीगढ़ में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और उन पर जांच में देरी और गिरफ्तारी करने में लापरवाही का आरोप लगा है। फिलहाल एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, गला दबाकर हत्या की गई है, ना ही एसिड अटैक की पुष्टि हुई है। 3 दिन पहले बच्चे की हत्या करके कूड़े के ढेर में उसके शव को फेंक दिया गया था।
अलीगढ़ में मासूम बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें एसएसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है, जिसमें इंस्पेक्टर सहित 3 एसआई और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। एक बार और आपको सुनाते हैं एसएसपी आकाश कुल्हरी का क्या कुछ कहना है। चीजें नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीजें इंजरी है, डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरी है उसके अंदर, पीएम के अंदर, बट कहीं पे भी एसिड यूज हुआ है इसकी कहीं पुष्टि इस पीएम रिपोर्ट में नहीं होती है, और प्लस रेप को लेकर के भी कोई पुष्टि पीएम रिपोर्ट नहीं कर रही है अभी, परंतु स्लाइड्स बन के गई हुई है। इट विल टेक एटलीस्ट 14 to 15 days, पर अभी तक की जो पीएम रिपोर्ट प्राथमिक तौर पे जो हुई है उस पर रेप की पुष्टि नहीं हो रही है और ना ही एसिड अटैक की कोई पुष्टि हो रही है, और जो उसमें बताया गया है कि आंखें निकाल ली गई है, तो उसमें जो लिख करके आया है वो बस केवल इतना आया है कि इसके अंदर जो लिख करके। हमारे सहयोगी शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। शिवा, अलीगढ़ में मासूम बच्ची की हत्या का ये मामला है, 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, और फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हो रही है, गला दबाकर हत्या की पुष्टि हो रही है। बिल्कुल दुर्गेश, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जिस तरीके से 2 जून को बच्ची का शत-प्रतिशत शव मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जो पहले से बातें निकल के आ रही थी तमाम मीडिया हाउसेस चल रही थी, जैसा कि एसएसपी आकाश कुल्हारी का कहना है कि उस पर रेप की पुष्टि नहीं हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और गला दबाने की बात कही गई है, तो बेहद ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है कि जो दो दिनों से लगातार रेप की बात बताई जा रही थी, शत-प्रतिशत शव मिला था 2.5 साल की बच्ची का, उसको अब पुलिस महकमे की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कोई रेप की घटना नहीं है। इस पूरे मामले में 2 दोषी लोगों को जेल भेजा जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी, लेकिन 2 से 3 दिन तक पुलिस को सफलता हाथ ना मिलने तक एसएसपी ने खुद अपनी कार्यशैली को बरकरार रखने के लिए 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है, और इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित भी हो चुके हैं। अन्य गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ की क्राइम ब्रांच जो है और जो साइबर सेल की जो यूनिट है उसको गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। कई सारे नंबर जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड पे लगाए गए हैं उनकी सीजीआर के आधार पर। पुलिस का दावा है कि जल्दी जो बदमाश जो लोग हैं आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पुलिस महकमे की जो कार्रवाई है, जो लोग निलंबित है, उससे कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होने तक उन्होंने अपनी एक कार्रवाई पूरी कर दी है। लेकिन साफ तौर से जो बच्ची का पिता है उनका यही कहना है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले में है उनको सख्त सजा दी जाए, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए, और यहाँ तक के इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाया जाए ताकि उसको न्याय मिल सके। जी चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शिवा, बता दें अलीगढ़ में मासूम की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।